दोस्तों, आज तक आपने कई सारी मिस्टीरियस स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन आज जो रहस्यमयी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे और अंत में आपका दिमाग भी आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि क्या ऐसा भी संभव है। तो ये कहानी है एक पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफी ज्यादा सुहावना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी मायामी पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया। काफी कोशिशों के बावजूद मायामी के कंट्रोल टावर पर लगे हुए रडार भी इस प्लेन का कोई पता नहीं लगा पा रहे थे। जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क ATC से इस बारे में जानना चाहा, तो वहां से भी उन्हें चौंका देने वाला जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क ATC का कहना था कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उनके भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। दोनों ही साइड से काफी देर तक प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन का यूं अचानक से गायब हो जाना सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। काफी देर तक ढूंढने पर भी जब प्लेन का कोई पता नहीं चला, तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। प्लेन न्यूयॉर्क और मायामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही कहीं गायब हुआ था। ऐसे में कोस्ट गार्ड की एक टीम को भी इस काम में लगाया गया, ताकि अगर क्रैश होने के बावजूद प्लेन का मलबा कहीं समुद्र में गिरा हो तो उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाई गई, लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो प्लेन मिला और ना ही उसका मलबा। जब काफी दिनों तक प्लेन का कोई सुराग नहीं लगा, तो अंत में सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है। लेकिन सरकार की ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ है इस बात का कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पाई थी, और अगर ये क्रैश हुआ भी था तो फिर इसका मलबा कहाँ था। इसके बाद इस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद। जगह थी वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वोंडेला कोर्ट के लिए हर रोज की तरह ही ये एक सामान्य दिन था, और वो रोज की तरह ही अपने ऑफिस पहुंचकर डेली की तरह ही अपने काम में बिजी हो गई। तभी कुछ देर बाद ही डेला कोर्ट को रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। ये डॉट ऐसा था जैसे कोई प्लेन अचानक ही ATC के रडार में आ गया हो। इसे देखकर डेला कोर्ट वाकई में काफी हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि इस वक्त किसी भी प्लेन के आने की कोई खबर नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये बात अपने बाकी के साथियों को भी बताई। इसके बाद लगभग 10 मिनट में ही ये प्लेन ATC के दृश्य क्षेत्र में आ गया। पहले तो ATC के अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई साधारण प्लेन ही होगा, लेकिन जैसे ही ये प्लेन नजदीक आया, तो जो कुछ भी डेला कोर्ट और उसके साथियों ने देखा, उन पर उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। दरअसल ये एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था, जो साल 1950 से 55 के समय के बीच में चलते थे, और अब इन एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा बदलाव किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 तक आते आते ऐसे विमान उड़ना ही बंद हो गए थे, और उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने ले ली थी। इसलिए इस तरह के प्लेन को उड़ता देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन असली होश उड़ा देने वाली बात तो अभी बाकी ही थी। दरअसल इसके बाद प्लेन के पायलट ने अंग्रेजी में पूछा कि हम कहाँ हैं। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट के पास हैं। इसके बाद डेला कोर्ट ने फ्लाइट कैप्टन से पूछा कि आपकी ये फ्लाइट कहाँ से आ रही है। इस पर फ्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरे ATC टावर में सन्नाटा फैल गया। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी है, और सुबह 9:55 पर उनका मायामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का शेड्यूल है। इसे सुनते ही डेला कोर्ट और उसके साथियों के होश उड़ गए। जब उन्होंने जांच की, तो पता चला कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी, जो अब पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ये प्लेन 37 साल से कहां था, और अपने डेस्टिनेशन से इतनी दूर वेनेजुएला में क्या कर रहा है। यहां डेला कोर्ट और उसके साथियों का चौंकना बिल्कुल जायज था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक खोया हुआ जहाज 37 सालों के बाद यूं अचानक हमारे सामने आ जाए, तो हम भी हैरान जरूर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट से कोई भी सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो पायलट से ज्यादा सवाल जवाब करेंगे, तो हड़बड़ी के चलते पायलट प्लेन को ठीक से लैंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट को लैंडिंग की अनुमति देते हुए तुरंत ग्राउंड यूनिट को वहां भेजा, ताकि वो प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर की हालत के बारे में जान सके। कुछ ही देर में प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद डेला कोर्ट ने पायलट से पूछ लिया कि क्या आपको पता है कि ये साल 1992 चल रहा है। ये सुनते ही पायलट एकदम शांत हो गया, और फिर उसने डरी हुई आवाज में डेला कोर्ट से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद डेला कोर्ट और ग्राउंड स्टाफ ने उस पायलट से
रिक्वेस्ट की कि आप सभी पैसेंजर्स के साथ प्लेन से बाहर आ जाएं। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, दूर रहिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगे। लेकिन भागते वक्त पायलट के पॉकेट से एक कैलेंडर नीचे गिर गया जो साल 1955 का था। इसके बाद पायलट ने विमान का इंजन फिर से स्टार्ट कर दिया और बिना टेक ऑफ क्लियरेंस का वेट किए प्लेन को रनवे पर दौड़ाते हुए टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये प्लेन एक बार फिर से ATC के रडार से ठीक उसी तरह से गायब हो गया जैसे साल 1955 में हुआ था। ये देखते ही ATC को एक बार फिर से झटका लगा। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक प्लेन 37 साल बाद आया और आने के कुछ ही देर बाद ये एक बार फिर से गायब हो गया। और एक बार फिर से ये कुछ इस तरह से गायब हुआ कि आज तक भी इसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। आखिर ये प्लेन कहां से आया था और कहां चला गया? इस प्लेन का यूं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना आज भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। दोस्तों, अब इस रहस्यमय घटना को जानने के बाद आपका दिमाग भी यही सोच कर चकरा रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम भी आपकी ही लिस्ट में शामिल हैं। हमें भी ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये प्लेन 37 सालों तक कहां था, और अगर ये आसमान में भी कहीं उड़ रहा था तो 37 सालों तक उड़ने के लिए इसे फ्यूल कहां से मिला। वेल, साल 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका ने रिडल ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस घटना को सबसे पहले कवर किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, साल 1985 यानी प्लेन के वापस अपीयर होने के 7 साल पहले ही इस घटना को कवर कर लिया गया था। अब किसी चीज के होने से पहले ही उसके बारे में एग्जैक्टली वही खबर छाप देना, ये बात हमारी समझ से तो परे है। इस पत्रिका में कहा गया था कि एक प्लेन टाइम ट्रेवल करते हुए समय से 37 साल आगे निकल जाता है और फिर वापस आकर लैंड भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में साल 1993 और 1999 में दोबारा इस खबर को अलग अलग डिटेल्स के साथ रिपब्लिश भी किया गया था। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि पब्लिकेशन ने आई विटनेस यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वोंडेला कोर्ट की फोटोग्राफ दोनों ही बार अलग अलग यूज की थी। साथ ही ये भी कहा गया कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई कॉन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सरकार को उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब हो जाने और फिर 37 साल बाद वापस से लौट आने जैसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी। ये महज एक अफवाह थी जिसे इस पत्रिका और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इस तरह से तैयार किया गया था ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके। बाकी इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऐसा वाकई में संभव है कि कोई प्लेन टाइम ट्रेवल करते हुए गायब होने के 37 साल बाद वापस से आ जाए, या ये महज एक अफवाह मात्र थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।